हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तुलसी रीजन स्टोर। और आज हम यहाँ पे हैं आपके लिए आपके मोस्ट आस्क क्वेश्चंस का आंसर देने। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए ये जानने के लिए कि रीजन हमारी हेल्थ के लिए सेफ है कि नहीं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी एज के लिए रीज़न यूज़फुल है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रीज़न से काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम यहाँ पे हैं आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिए और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानिए। तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि सब लोग रीज़न यूज़ करते हैं, तो क्यों हमें रीज़न के लिए सेफ्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है? क्यों? क्योंकि रीज़न एक केमिकल है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। जो रीज़न है वो केमिकल है, हार्डनर है केमिकल है, और जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि हम उसके लिए सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें, ताकि हम अपने आप को और हम अपनी हेल्थ को रीज़न के केमिकल रिएक्शन से बचा सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप की रीज़न हैं, और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा रीज़न आपको किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारा एक वीडियो इनके ऊपर है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप जान सकें कौन सा रीज़न किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। तो चलिए आज अब बात करते हैं हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम जानते हैं कि रीज़न किन को नहीं करना चाहिए। तो रीज़न एक केमिकल थिंग है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आपकी एज 15-16 ईयर्स के अबव हो, ताकि आप रीज़न से वॉक कर सकते हैं। और अगर आप रीज़न सिखाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप बच्चों को रीज़न नहीं सिखाएं, एटलीस्ट उनका एज 15-16 अबव होना चाहिए जब आप उनको रीज़न सिखाएं। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेंस, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए रीज़न सही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी उस टाइम पे बहुत ही कमज़ोर होती है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जब अपनी प्रेगनेंसी में हो तब आप रीज़न से वॉक नहीं करें, और जब अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज़ उनको अपने रीज़न प्रमाइसिस से थोड़ा दूर रखें जब आप रीज़न से वॉक कर रहे हैं। अपने पेट्स को आप अपने रीज़न वाले रूम में नहीं आने दें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो भी थोड़े सेंसिटिव होते हैं और रीज़न उनको हार्मफुल हो सकता है। तो मेक श्योर आप बच्चों को रीज़न नहीं कराएं। द एज लिमिट फॉर रीज़न इज 15 or 16 अबव, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट्स नॉट फॉर प्रेगनेंट लेडीज। पर बाकी के जो भी लोग हैं वो रीज़न से वर्क कर सकते हैं, और उनको वर्क कैसे करना है, उसके लिए क्या यूज़ करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है ग्लव्स की। सो ग्लव्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि हमारे हाथ रीज़न से गंदे नहीं हो, वो केमिकल है, तो अगर हमारे हाथ सेंसिटिव हैं और हम उससे रीज़न यूज़ करते हैं तो मे बी हमें उसका रिएक्शन हो सकता है। तो हमें उसको मेक श्योर करना है कि हमें वो नहीं हो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्राइल ग्लव्स। मार्केट में काफ़ी अलग ग्लव्स भी अवेलेबल हैं, जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, पाउडर कोटेड ग्लव्स होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अवॉइड कीजिए, क्योंकि नाइट्राइल ग्लव्स पाउडर फ्री हैं। पाउडर ग्लव्स में मे बी आप जब अपना आउटकम बना रहे हैं और उसके ऊपर पाउडर गिरता है तो आपका जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं बनता है। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप नाइट्राइल ग्लव्स यूज़ करें, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, पाउडर फ्री हैं, और ये बिल्कुल भी आपके रीज़न को आपके हाथ पे नहीं लगने देंगे, बिकॉज ये पूरे बहुत ही सॉलिड ग्लव्स हैं। तो जब भी आप रीज़न से वॉक करें तो मेक श्योर आप ग्लव्स पहनें। तो हमें अपना ग्लव्स पूरे अपने दोनों हाथों में पहनना है, और वर्क करते वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिटेड ग्लव्स हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे हाथ में आ जाता है। और इनको आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं tulsireason.com से, और ये सब अवेलेबल है। अगर आपको छोटा मोटा कोई काम करना है और आप अपने ग्लव्स नाइट्राइल ग्लव्स को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्लास्टिक ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे स्किन को रीज़न से बचाते हैं, क्योंकि ये एक प्लास्टिक का सरफेस लेयर दे देते हैं, और ये बहुत ही ईजिली स्लिप ऑन ग्लव्स हैं, बहुत ही ईजिली हमारे हाथ में फिट आ जाते हैं। बट इनका जो सरफेस है ये बहुत ही थोड़े से थिन होते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप रीज़न से थोड़ा काम कर रहे हैं तो ये यूज़ करें। जब हमें ज़्यादा देर के लिए रीज़न यूज़ करना है तो हम अपने नाइट्राइल ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं।
सो इस तरह हमारे पास दो टाइप के ग्लव्स है, एक नाइट्राइल ग्लव्स और दूसरा हमारे प्लास्टिक ग्लव्स। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं रीजन का वॉक करने से पहले, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ग्लव्स पहने हमारे रीजन मिक्स करते वक्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी के लिए। ये तो हो गई हैंड सेफ्टी की बात, तो अब बात करते हैं हमारे कपड़ों के सेफ्टी की। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा एप्रन। तो अगर आप रीजन से वर्क करते हैं तो मेक श्योर कि आप एप्रन पहने, क्योंकि अगर रीजन आपके कपड़ों पे गिर जाएगा तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा, वो हमारा रीजन कपड़ों से बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप एप्रन ज़रूर पहने, और अगर आप एप्रन नहीं पहन रहे हैं तो आप अपने कोई रफ क्लोथ या पुराने कपड़े यूज़ करें रीजन का वर्क करते वक्त, ताकि अगर उनके ऊपर रीजन गिर भी जाता है तो आपको ज़्यादा दुख ना हो। इसके लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप एप्रन पहने और अपने कपड़ों को अपने रीजन से बचाएं। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है रेस्पिरेटरी मास्क। अब रेस्पिरेटरी मास्क क्यों? रेस्पिरेटरी मास्क के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि रेस्पिरेटरी मास्क क्यों रिक्वायरमेंट है, या ये किन लोगों के लिए है। अगर हम रीजन से पहली बार वॉक कर रहे हैं तो भी हमें क्या रेस्पिरेटरी मास्क लेना ज़रूरी है, या हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इसके सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिलेंगे। हम जब रेस्पिरेटरी मास्क खोलते हैं तो वो दो कंपोनेंट में आता है। एक उसके आते हैं फिल्टर्स जो उसके दोनों साइड लगते हैं, और एक उसका आता है कवर जो हमारी नोज कवर करता है। तो ऐसे ये दो पार्ट्स में अवेलेबल है हमारा रेस्पिरेटरी मास्क। इसको हम ओपन करके हम फिक्स करेंगे, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये हमारा बेस कवर है और इसके ऊपर हम फिल्टर्स लगाते हैं जो इसके साइड में अटैच हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी मास्क किन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है? अगर आप रीजन से रेगुलरली वर्क कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप रेस्पिरेटरी मास्क परचेज करें और उसको यूज़ करते हुए ही वर्क करें। लेकिन अगर आप रीजन से सिर्फ एक बार काम कर रहे हैं, उसको शौक से करने वाले हैं, सिर्फ एक ही बार आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो आप रेस्पिरेटरी मास्क का अवॉइड कर सकते हैं, और आप नॉर्मल मास्क अपना N95 मास्क से लगाते हुए आप अपना वर्क कर सकते हैं। क्योंकि रीजन सिर्फ तभी हार्मफुल है अगर आप उसका डेली बेसिस पे यूज़ करें और आप उसको एक्सपोज हो, उसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो फ्यूम्स क्रिएट होती है अगर आप वो इनहेल करें रेगुलर बेसिस पे, तो आपको हार्मफुल है, और उनसे बचाने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी मास्क है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप रीजन से सिर्फ एक या दो बार वॉक करने वाले हैं और आप रेस्पिरेटरी मास्क लेने का सोच रहे हैं, तो मत लीजिए। एक या दो बार के लिए आप बिना रेस्पिरेटरी मास्क के काम कर सकते हैं, पर अगर आप रीजन से रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं और आप उससे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आप वीक में 4-5 दिन रीजन से काम कर रहे हैं एवरी डे, तो इट्स रिक्वायर्ड कि आप रेस्पिरेटरी मास्क लें, क्योंकि आप अपने हेल्थ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और रेस्पिरेटरी मास्क का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जब रीजन बिना मास्क के यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है। तो अब हम जानते हैं कि हमें इसे पहनना कैसे है। रेस्पिरेटरी मास्क ऐसे आता है, तो ऐसे हमें अपना रेस्पिरेटरी मास्क पहनना है, जिसमें हमारा साइड लॉक ये हमारे सर के ऊपर जाएगा, हमारे हेड के ऊपर, और ये हमारा लॉक सिस्टम है, इसको हम अपने नेक पे टाई कर सकते हैं। ये सब एडजस्टेबल है, आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने नेक के लिए, और यहाँ से भी आप हमारे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक रेस्पिरेटरी मास्क, इसके कोई साइजेस नहीं है, ये एक जनरल साइज़ है जो आपके कोई भी हेड के ऊपर आराम से लग सकता है, कोई भी साइज़ के पर्सन के लिए। अगर हमारे रेस्पिरेटरी मास्क के फिल्टर्स अगर ओवर यूज़ हो जाए तो आपको एक फॉल्स स्मेल का अंदाज़ा होगा, आपको फॉल्स स्मेल आने लगेगी। इसका मतलब है कि अब आपका वक्त है आपके फिल्टर्स चेंज करने का। तो आप इन फिल्टर्स को इंडिविजुअली बाय कर सकते हैं, आपको पूरा मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फिल्टर्स ओवर यूज हो जाए तो आप इनको सेपरेटली बाय करके और अपने फिल्टर्स चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे नाक और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। नाउ व्हाट अबाउट अवर आइज़? हमारे आइज़ भी तो हमारे रीजन के फ्यूम्स और उसके उससे एक्सपोज होती हैं, तो उसको हमें सेफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा आई ग्लास कवर। ये आई ग्लास कवर है जिसको हम आइज़ पे पहनेंगे ऐसे,
और इससे हमारी आईज बिल्कुल ही सिक्योर हो जाएंगी हमारे रीजन वर्क करते वक्त, और उसकी फ्यूम बिल्कुल भी हमारी आईज पे नहीं जाएंगी। काफ़ी बार होता है कि कुछ ही लोगों को आई ग्लास कवर सूट नहीं करता है, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, रेस्पिरेटरी मास्क ज़्यादा ज़रूरी है, आई ग्लास कवर हम अवॉइड कर सकते हैं। आप काफ़ी बार लोगों को होता है कि उनका रीजन चिपचिपा हाथ से लग जाता है, काफ़ी बार उनके स्किन पे, उनके टेबल्स पे, रीजन इक्विपमेंट्स पे या मोबाइल पे काफ़ी बार लग जाता है रीजन को, तो उसे हम कैसे मिटाएं? तो इसका सोल्यूशन हमारे तुलसी रीजन स्टोर ने निकाला है, बहुत ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके, रिसर्च करके, और वो है हमारा रीजन क्लिंजर। और ये बिल्कुल ही स्किन सेफ क्लिंजर है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, ये वाटर बेस्ड क्लिंजर है, और ये बहुत ही अच्छा है हमारे रीजन को हमारे स्किन से रिमूव करने के लिए। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप इसको डायरेक्ट अपने, अगर आपके हाथ पे रीजन लग गया है, आपकी फिंगर्स पे या कोई भी बॉडी पार्ट पे रीजन लग गया है, तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, उसको अपने इफेक्टेड एरिया पे स्प्रे करना है और आप उसको क्लीन कर सकते हैं, और बाद में आप इसको नॉर्मल सोपी वाटर से वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी सरफेस पे, यानी कि आपके मोबाइल पे, स्क्रीन पे, इवन आपके वॉचेस पे या कोई भी ऐसे टूल पे रीजन गिर गया है जिसको, जहाँ से आपको साफ़ करना है, तो आपको एक कपड़ा लेना है या टिश्यू पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको ये स्प्रे करना है, और उसके बाद आप उसको सरफेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा ग्लास कवर पे लगा तो हमें इसे आराम से साफ़ कर सकते हैं, ऐसे ही हमें रीजन क्लिंजर का यूज़ करना है। तो ऐसे हम रीजन क्लिंजर का यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से वेट रीजन को क्लीन करने के लिए। तो मेक श्योर जब हम रीजन क्लिंजर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा रीजन गीला हो, अगर वो रीजन ड्राई हो जाता है तो हमारा क्लिंजर काम नहीं आएगा। ये सिर्फ वेट रीजन को क्लीन करता है, जो कि बहुत यूज़फुल है हमारे स्किन से या हमारे डिवाइसेस से रीजन को रिमूव करने के लिए। ये तो हो गई बहुत ही कॉमन बात रीजन की सेफ्टी के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम रीजन करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कि जब भी हम रीजन से वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो रूम हो वो वेल वेंटिलेटेड हो। अगर हमारे डोर्स एंड विंडोज़ हैं तो आप उनको ओपन कर दीजिए, थोड़ा वेंटिलेशन ऑन रखिए, जो हमारे फ्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं फैले और वेंटिलेशन के थ्रू वो मैनेज हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे डोर्स एंड विंडोज़ ओपन रख के और वेल वेंटिलेटेड एरिया में रीजन से वॉक करने का। तो यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है रीजन से वॉक करते वक्त। हमें पूरी सेफ्टी रखनी है, हमें अपने हैंड्स को सिक्योर रखना है, हमें अपने एप्रन पहन के अपने कपड़ों को बचाना है, हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाना है रेस्पिरेटरी मास्क पहन के, और अपने आईज को बचाना है आईज ग्लास कवर पहन के। और ये सब रिक्वायरमेंट तभी है रीजन की जब आप रीजन से वॉक करते हैं, और इन बातों का आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ हमारे चैनल से, और अगर आपके पास कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि हम उनके टॉपिक को लेके आपके पास वापस आ सके और आपको उनका सॉल्यूशन दे सके। ये सारी चीज़ें जो भी सेफ्टी मेजर की हैं या रीजन है, ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं tulsireason.com पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप इनको परचेज कर सकें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।